हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में ओल्ट्रिक्स पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, इस आईडी को कैसे ओपन करते हैं। यह दोस्तों, बहुत लोगों का आईडी योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड ऐसी तरह डिसेबल हो रहा है और दोस्तों बहुत लोग ऐसी तरह बहुत ही परेशान है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देख लीजिएगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपना आईडी को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दिखा रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो दोस्तों, अगर आपके भी अकाउंट पर ऐसी तरह योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबिलिटी ऐसे तरह दिखा रहा है तो इस वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, आईडी पर ये यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम आने के कारण यहाँ पर अगर आ गया आपकी आईडी पर, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आपको अभी जाना है अपने फ़ोन की क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर जा रहा हूँ, आप भी जाइए अपने फ़ोन की क्रोम ब्राउज़र पर। और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च बार पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है फेसबुक हेल्प सेंटर। यहाँ पर लिखना है फेसबुक हेल्प सेंटर, ये लिखना है और देना है सर्च। दोस्तों, फेसबुक हेल्प सेंटर लिखकर सर्च देना है और यहाँ पर दिखाई देगा हेल्प सेंटर फेसबुक, यहाँ पर फर्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस वाली लिंक पर, फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फर्स्ट वाली इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा आपका सामने में, लेकिन दोस्तों इनमें से यहाँ पर दिखाई देगा लॉग इन एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपको इसी वाली देखिए, यहाँ पर चाबी करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, चाबी दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा लॉगिन टू योर अकाउंट। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये ट्रिक लगाना है, लॉगिन टू योर अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन टू योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा हाउ डू आई लॉग इन टू माई फेसबुक अकाउंट, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे फर्स्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा बहुत सारा ऑप्शन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा m.facebook.com करके एक लिंक, आपको इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही m.facebook.com पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक आईडी ओपन करने के लिए एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ओपन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर दिखाई देगा फॉरगॉटिंग पासवर्ड, आपको फॉरगेटिंग पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे फॉरगेटिंग पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखाई देगा इंटर योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हैं। नीचे दिखाई देगा ईमेल एड्रेस और नेम, यहाँ पर दिखाई देगा सर्च बाय योर ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक करके ईमेल भी डाल सकते हैं, या तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ मेरा, आप भी यहाँ पर किसी भी एक डाल दीजिए, ईमेल नहीं तो मोबाइल नंबर। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा सर्च, आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपने वही नंबर से जितने भी आईडी बना हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिस आईडी पर योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक आईडी मेरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आईडी आप भी सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखाई देगा तीन ऑप्शन, सेंड कोड BIA ईमेल, और यहाँ पर सेंड कोड BIA SMS, और यहाँ पर दिखाई देगा इंटर पासवर्ड टू लॉग इन। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं पता है, आपको अपने पासवर्ड भी नहीं जानते हो, या तो आप अपने यहाँ पर मैसेज के जरिए भी आप ओपन नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाना है। नीचे दिखाई देगा नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस, यहाँ पर दिखाई देगा नीचे, सबका नीचे देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आई कैन नॉट एक्सेस माई ईमेल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा बैक टू लॉगिन, और यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट। तो दोस्तों, आपको बैक टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा क्रोम और फेसबुक। तो दोस्तों, आपको क्रोम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फेसबुक भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर फेसबुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने फाइनली फेसबुक सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर फेसबुक सिलेक्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो देखिए, मेरा अकाउंट बिल्कुल ही ओपन हो गया है। तो दोस्तों, ऐसी तरह आप अपने आईडी को इसी तरह ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपका सामने में मैंने लाइव दिखा दिया, मेरा आईडी को मैंने ओपन कर चुका हूँ। अगर ऐसी तरह आपका आईडी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं और एक ट्रिक कह रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी तरह अगर आपका यहाँ पर अपना आईडी ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसके बारे में और एक वीडियो बनाऊँगा।